आज हम बिना अंडा के बिना ईस्ट के एक क्विक ब्रेड की रेसिपी बनाएंगे। ये एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनता है और 10 मिनट में रेडी हो जाता है। इसे आप गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तुलसी और मेरे रसोई में आपका स्वागत है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, वजन में करीब 200 ग्राम होगा। ब्रेड का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो एक छलनी में इन सारे सूखे चीज़ों को डालकर छान भी सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक भी जाएगा, तो आधा छोटा चम्मच नमक डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर हम डो तैयार कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर गूंथना नहीं है, बस सारे चीज़ें आपस में मिक्स होकर डो का शेप ले ले, बस उतना ही गूंथे। इसे हमें कोई रेस्ट नहीं देना है, फटाफट हम इसका ब्रेड तैयार करेंगे। हमारा डो तैयार हो गया है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। सारे डो को एक साथ ले लेंगे और हल्का सा फैला लेंगे। डो को सूखे आटे में अच्छे से लपेट ले ताकि डो कहीं पर ना चिपके। हल्का सा रोल कर लेंगे। इसे हमें मोटा ही रखना है, पतला नहीं करना है। इस तरह का एक छोटा सा कटोरी या फिर ग्लास ले ले और ऐसे कट कर ले। देखिए मैंने कट कर लिया है। साइड का जो डो है उसे हम निकाल लेंगे और फिर से बेलकर उसे भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह छोटे छोटे पाव बन हमारा तैयार होगा। दूसरी तरफ मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। गर्म पैन में हम सारे पावों को डालेंगे और पावों को डालने के बाद गैस की आंच को बिल्कुल भी धीमा कर देंगे और धीमी आँच में इसे 5 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हल्का सा लाल होने देंगे। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक की बटन को जरूर दबाएं, इससे मेरे रेसिपी और लोगों के पास भी पहुंच पाएगा। ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं ताकि ऊपर से अच्छे से एक साइन भी आ जाए और कड़क ना बने। इसे हम 2 मिनट के लिए और ढक लेंगे ताकि ये दूसरी साइड में भी अच्छे से सिक जाए। देखिए अब ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक चुका है और अच्छा सा एक कलर भी आ गया है। दूसरी साइड से भी अच्छे से तेल लगा लेंगे। अब हमारा इंस्टेंट पाव बन एकदम रेडी हो गया है। आप इसे शाम के टाइम बनाकर गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है। हमारा पाव एकदम सॉफ्ट बना है। इसे मैं तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसा दिख रहा है। देखिए कितना जाली आया है, एकदम स्पंजी बना है हमारा पाव। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू।